किसको डेडिकेट करना चाहेंगे आप यहाँ तक पहुँची इसके पीछे? मैं अपनी मदर को डेडिकेट करना चाहूँगी। पापा की जॉब की वजह से मतलब मैं मोस्टली मम्मी के साथ रही हूँ, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है, तो मम्मी को डेडिकेट करना चाहूँगी। हाउसवाइफ के साथ साथ मैं बाहर का भी देखती हूँ बिजनेस में, एक तरह से कहा जा सकता है। मैं यहाँ अपने इस प्लेटफॉर्म पर अगर आई हूँ तो अपनी ज्वेल्स शो करने के लिए आई हूँ, ताकि मेरा ज्वेल्स हर कोई देखे। बॉलीवुड ज्वेलरीज जो चलती हैं और हर कोई उस चीज़ को यूज़ करे, एक अट्रैक्टिव चीज़ जो होता है इन ज्वेल्स में है,
इस वजह से मैंने इस चीज़ को दिखा रही हूँ सामने से। और बाकी मैम हैं, सर हैं, सभी जजेस हैं, इन लोगों का इतना सपोर्ट मिला है कि मैं पीछे हटते हटते फिर आगे आने में बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, और बहुत मज़ा आ रहा है ऑडिशंस देख के, और हम लोग बहुत इन्जॉय भी कर रहे हैं इसको, और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने के लिए मिल रही हैं। आगे जो आज हम सीखेंगे वही हम फिनाले में उन सब चीज़ों से कुछ सीख करके आगे कुछ अच्छा करेंगे। एंड सारे जजेस बहुत सपोर्टिव है, सोनी मैम बहुत सपोर्टिव है, ये हमें टिप्स एंड ट्रिक्स देती रहती हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। बिकॉज आप किसी भी फील्ड में जाइए, सब में आपको बेसिक से लेके एक हायर लेवल होता है सीखने का। तो अभी तो ये फर्स्ट स्टेज है, हम सीख रहे हैं, फिर धीरे धीरे आगे करके बनारस से, फिर बनारस से बाहर, और अच्छे अच्छे जैसे जैसे चांसेस मिलते जाएंगे वैसे हम करते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इतने सपोर्टिव जजेस हैं कि हम ज़रूर कुछ ना कुछ सीख के निकलेंगे यहाँ से, भले विनर बने ना बने। और मैं वुमेन्स स्पीकर्स सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ। सोनी जी, किस प्रकार का कार्यक्रम है, क्या फिनाले? आज हमारे फैशन शो का सेमी फिनाले राउंड चल रहा है। एक्चुअली हम लोग एक फैशन शो करा रहे हैं जो मिस एंड मिसेस का है, जो लवली फेस ऑफ द ईयर 2020 है, और इसका हम लोगों ने अभी तक ऑडिशन करा चुका गया है, प्लस अभी हम लोगों ने 2 डे का रूमिंग सेशन कराया है, और आज हम लोग का यहाँ पर सेमी फिनाले राउंड चल रहा है। आपके कार्यक्रम में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया और कहाँ कहाँ से लोग पार्टिसिपेट किए? हमारे कार्यक्रम में लगभग 50 अब बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, और आज जो कि सेमीफिनाले राउंड है तो यहाँ पर जौनपुर से और भदोही से बच्चे आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इनके भविष्य को लेकर? इनके भविष्य को मैं यही कहना चाहूँगी कि आज हम लोग का जो यहाँ पर बच्चों को टास्क दिया गया है, वो हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं वो बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। उनको उनसे लॉजिकल क्वेश्चन किए जा रहे हैं जिसका आंसर भी बहुत अच्छे से दे रहे हैं। हमारा मानना ये है कि अगर कोई बच्चा मॉडलिंग लाइन में जाता है या फिर फैशन वर्ल्ड में जाता है, तो फैशन वर्ल्ड से रिलेटेड चीज़ें उनको सिखाया जाए, उनको जानकारी दी जाए। इसके लिए मैंने आज उनको टास्क भी दिया है अपने परिधान को चेंज करने का, तो ये टास्क मैंने उनको दिया और वो लोग बखूबी इसको निभा रहे हैं और कर भी रहे हैं। जी, धन्यवाद।